हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साकाटा कंपनी का व्हाइट मार्बल के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साकाटा कंपनी का व्हाइट मार्बल यह एक हाइब्रिड फूल गोभी की एक वैरायटी है दोस्तों। अगर आप इस साल फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं या फिर फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपके लिए साकाटा कंपनी का व्हाइट मार्बल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैरायटी की। फूल गोभी कौन कौन से सीजन में खेती की जा सकती है? तो इस वैरायटी की फूल गोभी खरीफ सीजन और रबी सीजन में खेती की जा सकती है। बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट में खेती की जा सकती है। तो हमारे भारत में सारे स्टेट में इस वैरायटी की फूलगोभी की खेती की जा सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं इस वैरायटी की फूलगोभी की क्रॉप साइकिल के बारे में। इस वैरायटी की फूलगोभी प्लांट को प्लांटेशन करने के बाद लगभग 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों, या फिर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। तो यह दिखने में व्हाइट होता है और 500 ग्राम से 1.5 केजी तक का इसका साइज यानी प्रोडक्शन आ सकता है एक कोबी। बात करते हैं इसकी नर्सरी के बारे में। तो इस वैरायटी की फूल गोभी की नर्सरी आप जुलाई, अगस्त, सितंबर की महीने में तैयार कर सकते हैं और प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वैरायटी की फूल गोभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में नर्सरी तैयार करते हैं और उसके साथ साथ प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है दोस्तों, और हार्वेस्टिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छा आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। व्हाइट मार्बल कॉलीफ्लावर सीड्स 10 ग्राम 715 रुपीज़ प्रिंट रेट दिया गया है, जबकि एक पैकेट मैंने 480 रुपीज़ में ख़रीदा था। हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम प्राइस पर भी आपको मिल सकता है। अगर आप इस वैरायटी की सीड्स खरीदना चाहते हैं तो किसी भी सीड शॉप या फिर फर्टिलाइजर शॉप में आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइएगा दोस्तों। और आपका सजेशन कमेंट में अवश्य लिखिए।